Assalamualaikum and welcome to Samia's Kitchen. आज समियास किचन आपको लेकर आया है फॉसिल ड्यून्स जो कि अबू धाबी में है. अभी हम आपको इसकी डिटेल्स दिखाएंगे. आप ये एक ओवरव्यू ले लें, पैनारामिक व्यू. ये है जी फॉसिल ड्यून्स जो कि अबू धाबी से ऑलमोस्ट आधे घंटे की ड्राइव पे हैं और रेगिस्तान में ये बनाए गए हैं. बनाए नहीं हुए एक्चुअली, ये ऑलमोस्ट फॉसिल्स हैं जो इन्होंने डिस्कवर किए हैं. और फॉसिल्स जैसे कि आपको पता है कि माउंटेन्स में ही होते हैं, दबे होते हैं. अभी हम आपको उनकी डिटेल्स आगे दिखाते हैं. ये देखें जी, ये फॉसिल ड्यून्स डेजर्ट है और यहाँ पे बिल्कुल अबू धाबी के करीब. मैंने जैसे आपको बताया पहले, ये सारे फॉसिल्स हैं और हम आपको आहिस्ता आहिस्ता किसी पे पास भी जाके दिखाएंगे. अब सख्त हो चुके हैं ये सारे फॉसिल्स और हवा के ज़ोर से ये माउंटेन था और माउंटेन से जितनी भी रेत थी वो उड़ गई और बाकी चीज़ें ये बची हैं. ये सब फॉसिल्स हैं जो कि बहुत हार्ड हैं. ये हवा के चलने से यहाँ पे जिस तरह जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि सब पत्थर के अंदर लहरें बन गई हैं. अल्लाह की कुदरत है, इतनी ये ज़बरदस्त और इतनी ताकतवर चीज़ है ये जो हवा है कि इसने इन पत्थरों के दरमियान में भी लकीरें डाल दी हैं. आप देखें, लाइंस बन गई हैं सब. देखें, हम आपको एक और फसल के पास लेके जाते हैं. बिल्कुल ये छोटा सा माउंटेन सा है और पत्थर है ये बहुत, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से हवा जो यहाँ चलती है उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको इस तरह नज़र आ रहा है. इसको आपको करीब से दिखाते हैं. बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत और हाई खूबसूरत, जिसकी वजह से हवा चल चल के उसने यहाँ पर ये लाइन्स बनाई हैं और ये इसका स्ट्रक्चर देखें. सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह की कुदरत है. ये देखें जी, ये माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्लाह की कुदरत, खूबसूरत जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फॉसिल्स का कुदरती. ये पूरा छोटा सा पहाड़ है. एक और फॉसिल स्ट्रक्चर है, इसके हम बिल्कुल टॉप पे आ गए और आप देख सकते हैं कि नीचे वो गाड़ियाँ खड़ी हैं काफ़ी नीचे और हम बिल्कुल इसके टॉप पे हैं और पीछे से भी काफ़ी. ये देखें जी, कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं फॉसिल्स के, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं. बहुत खूबसूरत हवा के साथ जो इसकी लहरें बनी हुई हैं माशाल्लाह, और इसी तरह से पीछे भी हैं. कुछ और भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे.